मानसिक विक्षिप्त युवक की घर में मिली लाश, परिवारजनों ने हत्या का लगाया आरोप। मामला हमीरपुर जनपद के कुरारा थाना क्षेत्र के पतारा गांव में एक मानसिक विक्षिप्त युवक का शव पशु बाड़े में युवक लाश मिलने से गांव में सनसनी फैल गई। जब सुबह पिता पशु बाड़े में गए तो देखा कि पुत्र का शव चारपाई पर पड़ा है। जब उसके पास गए तो वह मृत अवस्था में था, जिसकी जानकारी ग्रामीणों ने पतारा चौकी इंचार्ज को दी। इस घटना से परिवार में कोहराम मच गया। वहीं परिवारजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। मौके पर पहुंची थाना पुलिस जांच में जुटी है। क्षेत्र के पतारा गांव निवासी अनुराग 27 वर्षीय पुत्र राकेश का शव चारपाई पर मिलने से हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी होते ही मौके पर सीओ सदर के अपर पुलिस अधीक्षक ने पहुंचकर डॉग स्क्वाड व फोरेंसिक टीम द्वारा जाँच की जा रही है। सीओ सदर अनुराग सिंह ने बताया कि थाना पुलिस द्वारा तीन अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है। आरोपियों की तलाश जारी है। वहीं शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इसकी फांसी लगी थी, गले में धाग है और पैरों में कीली का निशान है। चारपाई में वो ऐसे लेट गया जैसे वो चिकरा लेटा। सुबह जब जिसने भी देखा था तो क्या फांसी पर लटके देखा था या खटोली पर? नहीं, उधर कोई फांसी नहीं थी, खटिया में लेटा गए। इधर यहाँ ये नहीं घटना भाई, ये बीच में कहीं पकड़ करके रास्ता में घटना की गई। क्या लगता है आपको, ये आत्महत्या है या हत्या है? ये हत्या की गई। किसके ऊपर था आप? कुछ चौकीदार है, चौकीदार के दोनों लड़कों की, क्योंकि पिछले वर्ष इसने मारा भी है अंदर बैठ करके। 5 जून 2018 को राकेश कुमार। आज प्रातःकाल थाना कुरारा अंतर्गत ग्राम पतारा में एक युवक अनुराग, जिसकी उम्र 27 साल की है, जो मानसिक रूप से बीमार रहता था, उसका शव प्राप्त हुआ। उसके गले में फंदे के चोट के निशान थे। इस संबंध में उसके पिता ने ग्राम चौकीदार और उसके दो पुत्रों के खिलाफ आशंका जाहिर की कि उन्होंने उसकी मृत्यु कारित कर दी है। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है। फील्ड यूनिट द्वारा अभी घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया गया। अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित।